कांग्रेस हमारी पुरानी प्रॉपर्टी है, इसलिए मैं अपनी संपत्ति को बचाने के लिए चल रहा हूँ। 1961-62 से नेहरू जी ने जोड़ा था। हाँ, कांग्रेस के लिए अच्छा काम कर रहा है और भविष्य में अच्छा काम करेगा। हमारी इस नवयुवक पीढ़ी के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पश्चिमी यूपी के शामली के कैराना में पहुंच चुकी है। कैराना पश्चिमी यूपी का वो कस्बा, वो विधानसभा जो खासी चर्चाओं में रही चुनाव के समय। यहां पर पलायन का मुद्दा बहुत गर्माया। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम नेताओं ने कई आरोप लगाए यहां पर, और अब यहां पर राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर पहुंचे हैं। क्या कुछ माहौल है, मैं अपने कैमरा पर्सन सिद्धार्थ को बोलूंगा कि यहां कैराना के अंदर आसपास घरों में बीच शहर से जब ये यात्रा जा रही है तो आसपास लोगों का हुजूम किस तरीके से है, किस तरीके से लोग खड़े होकर राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए आतुर हैं। और कांग्रेस के नेता यहां पर लगातार राहुल गांधी जिंदाबाद, जोड़ो जोड़ो, भारत जोड़ो के नारे लगा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है? मनोज यादव फौजी। मैं कहां से आया हूं? मैं गाजीपुर से आया हूं। ओबीसी कांग्रेस का मैं प्रदेश महासचिव हूं और लाखों लोग पूर्वांचल की धरती से इस यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। हम राहुल गांधी के साथ मिलकर क्या बदलेगा, क्या इस यात्रा से पूर्वांचल में, गाजीपुर में क्या बदलेगा? पूर्वांचल में नहीं, पूरे देश में जो बीजेपी ने नफरत फैला रखा है उसमें हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। मोहब्बत की दुकान तो खोल लेंगे, लेकिन सत्ता में कैसे आएगी कांग्रेस? सत्ता में कैसे आएगी? 2014 से पहले बीजेपी क्या थी? उन्होंने नफरत फैला के सत्ता में आ गए तो हम तो प्यार बांट रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ। हम क्यों नहीं सत्ता में आएंगे? आपको लगता नहीं है बड़ी देर कर दी? इतने साल गुजर गए, पूरे 9 साल बाद, अब 1 साल बाद चुनाव है। राहुल गांधी को पहले एक्टिव होना चाहिए था नफरत की दुकान को हटाने के लिए। 10 साल 2014 से पहले हमने भी शासन किया था, 10 साल में बीजेपी ने भी। हमारे साथ एक बुजुर्ग और हैं। क्या नाम है? करुणा प्रसाद मिश्रा। करुणा प्रसाद मिश्रा जी कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश में। कहाँ से? सीधी से। अच्छा, क्यों यात्रा में क्यों चल रहे हैं? कांग्रेस हमारी पुरानी प्रॉपर्टी है, इसलिए मैं अपनी संपत्ति को बचाने के लिए चल रहा हूँ। अच्छा, और कांग्रेस से कितने सालों से जुड़े हैं? मैं 1961-62 से नेहरू जी ने जोड़ा था। नेहरू जी ने आपको जोड़ा? नेहरू जी के साथ कहाँ कहाँ गए? मैं उत्तर प्रदेश में कई जगह गया और मध्य प्रदेश में सिंगरौली गया। और ये बताओ, राहुल गांधी इतनी ठंड में काहे चल रहे हैं? इतनी ठंड में क्यों? ये आपको आराम करना चाहिए था। बैठेगा तो इंटरव्यू ले लीजिएगा, अभी हम चल रहे हैं। राहुल जी के बारे में क्या कहेंगे? सब बात बताएंगे। बहुत अच्छा है, राहुल का अच्छा काम है। हाँ, कांग्रेस के लिए अच्छा काम कर रहा है और भविष्य में अच्छा काम करेगा। हमारी इस नवयुवक पीढ़ी के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत होगा, भविष्य बनेगा। तो ये मध्य प्रदेश से आए हैं, इनका कहना है कि भाई देश का भविष्य राहुल गांधी है। ये पंडित पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ भी रहे। आपका क्या नाम है? सर, मनोज कुमार मिश्रा नाम है। मैं सोनिया जी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से आया हूँ। रायबरेली से आए हैं जी? तो रायबरेली से जब आए हैं, क्या लगता है राहुल जी अमेठी का है चले गए छोड़ के? राहुल जी अमेठी छोड़ के नहीं गए हैं। राहुल जी लगातार जो है अमेठी से भावनात्मक रूप से जुड़े रहे, रायबरेली से जुड़े रहे। गांधी परिवार का रिश्ता जो है वो परिवार का रिश्ता है रायबरेली अमेठी से, कोई चुनाव जीतने या हारने को लेकर नहीं है। और जो राहुल जी जो है भारत को जो है नफरत से मुक्त कराने के लिए जो कदम उठा के चल रहे हैं, हम सब लोग उन्हीं के साथ हैं, पूरा देश उनके पीछे चल रहा है। अच्छा, ये बताइए, साथ में तो चल रहे हैं, बदलाव कैसे आएगा, सत्ता में कैसे आएगी कांग्रेस? बदलाव सत्ता के लिए कांग्रेस नहीं लड़ रही है, देश और समाज को ठीक करने के लिए कांग्रेस लड़ रही है, लोगों का दिल बदलने के लिए कांग्रेस लड़ रही है। ऐसा दौर लोग है। क्या नाम है? सुरेंद्र पांडे, जनपद मिर्जापुर से। मिर्जापुर से आए हैं आप? पश्चिमी यूपी में यात्रा चल रही है, पूर्वांचल में तो असर दिख नहीं रहा ज्यादा। भाई आप ऐसे पत्रकार देख लीजिए ना, सामने देखिए, घरों पे महिलाएं, छोटी बच्चियां आज निकल के आई हैं राहुल जी के नाम पे। तो ये 1984 के बाद अरसे बाद ऐसा होने जा रहा है।
ये मेहनत रंग ला रहा है, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। रही बात, संघ ने कांग्रेस परिवारों को तोड़ा है, सच्चाई यही है। नहीं तो पूरे भारत में हर गांव में शहरों में पहले तो 60% आबादी 70% आबादी कांग्रेस परिवार ही ना था। आज भारतीय जनता पार्टी संघ के जो नेता हैं उनके दादा पर दादा कांग्रेसी थे। अगर आज कांग्रेस सत्ता आ जाएगी ना तो वो आ जाएंगे सामने, ये कहेंगे कि हम तो चार पूसे कांग्रेसी थे। ऐसे हैं संघ और भाजपा। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ कि भाई कांग्रेस को नोटा से भी कम वोट मिल रहा है, यूपी विधानसभा में 2 सीटें जीत पा रहे हैं। तो कांग्रेस को इतना बदनाम किया गया ना कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस के वर्कर केवल समाज को लूटते हैं। आप एज ए पत्रकार बताइए, तमाम SIT जांच कराइए, भाई भाजपा के नेताओं को देख लीजिए और कांग्रेस नेताओं को देख लीजिए। आप तो भी इसी धरती से बिलान करते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता कहाँ पे हैं, ये सपा भाजपा और ये जितने नए राजनीतिक दल आए हैं उनके कार्यकर्ता कहाँ से हैं? ये तो और लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम इश्तियाक है। इश्तियाक जी कहाँ से आए हैं? ये जिला बहराइच महपुरवा से आए हैं हम। या राहुल गांधी की यात्रा में जुड़ने का मकसद क्या है? मकसद आप देखें, ये है कांग्रेस, ये हम दिनेश सिंह, ये इश्तियाक भाई, 3 दिन से बराबर साथ चल रहे हैं, कोई नफरत नहीं है, ये है कांग्रेस। तो नफरत फैलाया कौन? अरे फैलाने वाले जिसकी गवर्नमेंट में फैलाया, बीजेपी ने। तो कांग्रेस कांग्रेस के साथ कांग्रेस एक मिलाएगी, फिर से यूपी में लोगों को समझा पाएगी? हाँ बिल्कुल समझा पाएगी, बिल्कुल। ये जो जल सैलाब है यही समझा देगा कुछ दिन के बाद। आरोप लगते हैं कि भाई राहुल गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहते हैं, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। नहीं वो गलत कहते हैं, ऐसा नहीं है, वो बराबर रहते हैं हम लोगों के। नहीं है ये प्रोपोगंडा है मीडिया का कि वो कहीं चले जाते कहीं चले जाते, वो रहते बराबर यही है। अरे भाई किसी कहीं जाना, किसी को कहीं जाना, ये कोई वो नहीं हुआ। हाँ ये पूरा चुनाव हुआ अभी हिमाचल का। जी नहीं, हिमाचल गुजरात में कांग्रेस जीती ही है, कांग्रेस हिमाचल में जीती, लेकिन गुजरात में क्यों गए राहुल गांधी? अब राहुल गांधी इस यात्रा में थे, बिजी थे, नहीं जा पाए, उसका कोई वो थोड़े है। हाँ चुनाव जीतना बात भी जरूरी है भाई, बोलो। चुनाव जीतना जरूरी, इसको एक रखना बहुत जरूरी है, इसलिए वो पूरे देश को मिशन पे निकले थे। और भी लोग हमारे साथ, क्या नाम है आपका? क्या राम सावदोजा, गोरखपुर। गोरखपुर, गोरखपुर में क्या बदलेगा इस यात्रा? इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है लोगों के दिल में, कांग्रेस के प्रति और राहुल गांधी के प्रति आस्था बढ़ रही है और आने वाला समय कांग्रेस का होगा। राहुल गांधी तो भाई 2019 में चुनाव हार गए, फिर कैसे यहाँ पर, वो भी आपको नहीं लगता कि ये यात्रा 3 दिन से ज्यादा की होनी चाहिए थी? चुनाव हार गए, चुनाव हारना और जितना अपनी जगह पर है, देश की एकता अखंडता और एकता को बनाए रखना ये दूसरी बात होती है। चुनाव अटल बिहारी सर, चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी हारे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरीके की इतनी बड़ी यात्रा जो है, क्या यूपी में और ज्यादा दिन रुकना चाहिए? सर होनी चाहिए, देखिए यात्रा यहाँ चली है, यात्रा यहाँ तक जाएगी सर, यात्रा ऐसे जाएगी नहीं। और अभी राहुल कांग्रेस पार्टी का वो है कि अभी एक यात्रा निकालेंगे पश्चिम से पूर्व तक। अच्छा। हाँ तो उसमें सर यात्रा राहुल प्लान है कि यूपी में और चलेगी कम से कम 200-300 किलोमीटर। बट सर जब यात्रा ऐसे चले तो ऐसे जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। ऐसे अभी मीडिया का गुजरात कैसे जाता है? देखिए राहुल ने भारत जोड़ने के लिए गुजरात का चुनाव छोड़ दिया, हिमाचल का चुनाव छोड़ दिया, देश में इतना नफरत फैला दी है, भाजपा डर फैला दी है कि जनता एकदम आपस में लड़ रही है। कहे थे हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख नौकरी दे, 15 लाख हर तक खाते में रुपया देंगे, एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ है सर। अच्छा कहाँ से आए हैं? हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। देखिए तानाशाही तो यही, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400 गुना फीस भी निकल दी गई है, यूपी तक इस मुद्दे को उठाता रहा है। बिल्कुल, क्या क्या मामला था इलाहाबाद? देखिए सर ये सबसे बड़ी कमी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यह कहा गया है कि यूनिवर्सिटियां अपना 40% फंड जनरेट करें और केंद्र सरकार 60% देगी। जब सर ये हो गया तो यूनिवर्सिटी मजबूत। राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी लड़े हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा शिक्षा को और स्वास्थ्य को, युवाओं को, बेरोजगारों के ऊपर हमेशा ध्यान दी है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये अडानी अंबानी की सरकार है, ये चाहते हैं शिक्षा को भेज दे, स्वास्थ्य को भेज दे, नौकरी को भेज दे। सब बताइए, रेलवे नौकरी देती सर, रेलवे में 4 साल से भर्तियां लटकी हैं। अभी देखिए हम सब विद्यार्थी हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से TCET PG एग्जाम चल रहा है। अब देखिए भर्ती आई सर, आरक्षण घोटाला की है, उसके बाद अब करें एक आयोग बनाएंगे, हम सबकी भर्ती जून से निकाले, परीक्षा नहीं करा रहे हैं, इसलिए हम सब राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। राहुल गांधी आएंगे, देश में परिवर्तन लाएंगे, इन काले अंग्रेजों को और दलालों को जो पूंजीपति के दलाल हैं, सरकार नहीं है, इनको हटाएंगे। राहुल गांधी क्या नाम है? अवधेश साहू, गाजीपुर से आए हम। गाजीपुर तो बड़ी दूर से आए हो जी।
हाँ तो राहुल गांधी का प्यार है, हम लोग आए हैं गाजीपुर से, हम लोग अंत तक जाने के लिए है।